परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के पावन सानिध्य में सभी विभिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर संवेद ऑडिटोरियम जनपद IGNCA दिल्ली में आयोजित ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू जी ने अनुच्छेद 29 अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के अधिकारों के साथ अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों प्राप्त अधिकार तथा अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा आदि अनेक विषयों पर चर्चा की। स्वामी जी ने कहा कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों का उत्थान और संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करना। स्वामी जी ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है और उसकी विशालता को बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है।